हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एनरिच माइंड्स। माय नेम इज अंशिता जैन। आज अपन चैप्टर 5 पढ़ेंगे जिसका नेम है छोटूज हाउस, मींस छोटू का घर। छोटू केम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम। छोटू मुंबई आया था पहली बार। अब आपको ये पिक्चर सारी अच्छे से देखनी है, उसके बाद ये आंसर्स को सॉल्व करना है। तो आपने ये सारी पिक्चर्स देख ली, अब अपन ये पढ़ेंगे। Study the pictures carefully and answer the following. First is, what did Chotu think when he looked at the pipe? Chotu ne kya socha jab usne pipe ko dekha? Chotu thought that he can take shelter in the pipe as it would save him from dust, wind, rain and cold. Chotu ne ye socha ki main us pipe mein apna ghar bana sakta hoon. किससे बचने के लिए? डस्ट से बचने के लिए, हवा से बचने के लिए, बारिश से और ठंड से बचने के लिए। नेक्स्ट इज, हाउ डिड छोटू यूज द पाइप? छोटू ने उस पाइप को कैसे यूज किया? छोटू टुक शेल्टर इन द पाइप। छोटू ने उसमें शेल्टर लेकर उसको यूज किया। थर्ड क्वेश्चन इज, इनटू विच पार्ट्स डिड छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया? छोटू ने उस पाइप को कैसे डिवाइड किया और उसके आसपास जो जगह थी उसको कैसे डिवाइड किया अपने रहने के लिए? तो ही डिवाइडेड इनटू स्लीपिंग एरिया, कुकिंग एरिया, क्लॉथ ड्राइंग एरिया, वाटर स्टोरेज एरिया एंड गेस्ट सिटिंग एरिया। मींस छोटू ने उस पाइप को कैसे वो किया, डिवाइड किया? फर्स्ट उसने स्लीपिंग एरिया बनाया अपना, सोने की जगह, फिर कुकिंग एरिया खाना बनाने के लिए, थर्ड इज क्लॉथ ड्राइंग मींस कपड़े सुखाने के लिए, फोर्थ इज वाटर स्टोरेज पानी रखने के लिए, एंड फिफ्थ इज गेस्ट सिटिंग एरिया मींस जब कोई अपने घर पे गेस्ट आते तो अपन भी उनके लिए अच्छे से जगह करते हैं ना, वैसे उसने भी उनके लिए प्रॉपर प्लेस तैयार की कि वो जब आएंगे तो उनको वो कहाँ बिठा लेगा। Fourth is, in which part of his house will Chotu like to spend most of his time? इसका आंसर है, he would like to spend most of him time around the guest sitting area. क्वेश्चन में ये पूछा था कि छोटू अपना सबसे ज्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करना पसंद करता था, तो छोटू अपना सबसे ज्यादा टाइम गेस्ट सिटिंग एरिया में स्पेंड करना पसंद करता था। स्पेंड मीन्स बिताना। फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू थिंक छोटू इनवाइटेड मोनू टू लिव विथ हिम इन द पाइप? आपको क्यों लगता है, मींस आपको क्या लगता है कि छोटू ने मोनू को क्यों इनवाइट किया होगा उसके घर में रहने के लिए? तो ही इनवाइटेड मोनू टू लिव विथ हिम इन द पाइप बिकॉज ही सॉ मोनू सर्चिंग फॉर अ शेल्टर। ऑल्सो छोटू would feel better if he has a company at home. छोटू ने मोनू को इसलिए इनवाइट किया क्योंकि वो उसने देखा था कि मोनू के पास भी घर नहीं है और वो कुछ शेल्टर ढूंढ रहा है अपने रहने के लिए, तो इसलिए उसने मोनू को इनवाइट किया जिससे उसको शेल्टर मिल जाए और फिर छोटू को भी अच्छा लगता कि वो उसके घर आ जाएगा तो वो उसको एक कंपनी मिल जाएगी। नेक्स्ट एक्टिविटी इज, ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर हाउस इन योर नोटबुक एंड कलर इट। आपको अपनी नोटबुक में अपने हाउस की पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसको कलर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु ऑल लिव विथ यू इन योर हाउस? इन माई हाउस आई लिव विथ माई मदर, फादर, टू ब्रदर्स, ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। आप अपने घर में किस किस के साथ रहते हो? तो आप अपने घर में किसके साथ रहते हो? मम्मी के साथ, पापा के साथ, भाई बहन और दादा दादी के साथ रहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, छोटू डिवाइड द पाइप इंटू डिफरेंट पार्ट्स, राइट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस। छोटू ने अपने घर को कितने सारे पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो आपको उसमें ये बताना है अपने घर के डिफरेंट पार्ट्स। तो आपके घर में क्या क्या है? ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, स्टडी रूम, टॉयलेट एंड बाथरूम। सभी के घर में होता है ये, तो आपको आंसर में ये लिखना है। देन हाउ मच टाइम इन अ डे
did you spend in each part of the house? इसका आंसर है ड्रॉइंग रूम 2 hours, डाइनिंग रूम 2 hours, किचन 1.5 hour, स्टडी रूम 4 hours, बेडरूम 8 hours, टॉयलेट 1.5 hour एंड बाथरूम 1.5 hour. क्वेश्चन में ये पूछा था कि आप अपने घर में कहाँ कहाँ कितना टाइम स्पेंड करते हैं, तो यहाँ तो मैंने अपना टाइम लिख दिया है, आप अपना टाइम भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Is there any part of your house where a particular member of your family spends more time? ऐसा कोई part है आपके house का जहाँ कोई particular member बहुत ज़्यादा time spend करता है? इसका answer है My mother spends more time in the kitchen. मेरी मम्मी kitchen में बहुत ज़्यादा time spend करती हैं. Next question is Is there any part of your house where a particular family member never goes or goes for a short time? ऐसा कोई part है जहाँ पे आपके family में से कोई बहुत कम जाता है या फिर जाता ही नहीं है? तो इसका answer है My father goes to the kitchen for a very short time. पापा लोग यूजुअली किचन में नहीं जाते हैं, तो इसका आंसर यही है कि मेरे पापा किचन में बहुत थोड़े से टाइम के लिए जाते हैं. Next is, you must have seen that some animals also live with us in our houses. Some of these animals live with us because we want them to, while some are there uninvited. आप देखते हैं अपने घर में कितने सारे animals रहते हैं. कुछ animals ऐसे होते हैं कि अपन उनको खुद लाते हैं, just like dogs or cats. अपन उनको ऐसा pet animal लाते हैं. But कुछ ऐसे होते हैं जो uninvited रहते हैं, मतलब जिनको अपन बुलाते नहीं है, वो अपने आप आ जाते हैं. अब अपन को यहाँ पे एक poem दी हुई है. Poem का name है Home Sweet Home. So You always tell me, mother, the house belongs only to us. But how do I believe that, mother, when I know it belongs to many more? Look, mother, how these mice are all playing catch-catch together. And look how these mosquitoes fly and how peaceful lies the happy spider. And look, mother, at the crazy lizards, how slowly it crawled to and fro. And look at so many black ants all marching in a row. And look outside in the courtyard, the birds are all peeking about, just like when my sister and I sometimes fight, quarrel and shout. तो जो बॉय है अपनी मम्मी से कह रहा है कि मम्मी आप हमेशा कहती हैं कि ये जो घर है ये सिर्फ हमारा है, बट मैं इस बात को कैसे मानूं जब मुझे पता है कि ये बहुत सारे लोगों का है. देखो जैसे कि ये जो चूहे हैं कैसे कैच कैच खेल रहे हैं. माइस मींस होता है चूहे, मतलब जब एक से ज्यादा चूहे होते हैं तो अपन माइस बोलते हैं, जब वन होता है तो अपन माउस बोलते हैं. एंड लुक हाउ दीज मस्किटोज फ्लाई एंड हाउ पीसफुल लाइज द हैप्पी स्पाइडर्स. ये मस्किटोज मींस मच्छर कैसे उड़ रहे हैं, और जो मकड़ी है वो कितने आराम से बैठी हुई है दीवार पर. एंड लुक Mother, at the lazy lizards, how slowly it crawls to and fro, and look at so many black ants all marching in a row. Means, ये जो lazy lizards हैं ये कैसी बस चल रही हैं इधर से उधर, crawl करती है lizards तो कैसे इधर से उधर क्रॉल कर रही है, ब्लैक आंट्स जो है वो कैसे रो में ऐसे चले जा रहे हैं. सभी के घर में चींटियां आपने देखी होंगी कैसे रो में चलती हैं, तो वो वही अपनी मम्मी से बोल रहा है. एंड लुक आउटसाइड इन द कोर्टयार्ड द बर्ड्स ऑल आर पीकिंग अबाउट जस्ट लाइक व्हेन माय सिस्टर एंड आई समटाइम्स फाइट क्वेरल एंड शाउट. और जो बर्ड्स हैं कोर्टयार्ड में, कोर्टयार्ड मीन्स आंगन, मैं ऐसे चोच लड़ा रही हैं जैसे कि जब मेरी सिस्टर और मेरी लड़ाई होती है तो हम लोग जब एक दूसरे पे चिल्लाते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं, जस्ट लाइक दैट बर्ड्स भी वैसा कर रही हैं. दैट इज व्हाई आई से डियर मदर डोंट थिंक दिस हाउस इज ओनली आर्स, इट इज डियर टू अस एंड ऑल हु लिव्स हियर एंड हैव बीन लिविंग फॉर मैनी इयर्स. तो इसलिए वो अपनी मम्मी से बोलता है डियर मदर आप ये मत सोचिए कि ये हाउस सिर्फ हमारा है, ये उन सभी लोगों का है जो यहाँ पे रह रहे हैं बहुत सारे सालों से. ये जो
पोयम है ये बच्चा टोली ने लिखी है भारत ज्ञान विज्ञान समिति। नेक्स्ट एक्टिविटी है ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनी टू एनिमल्स दैट लिव इन आवर हाउस अनइनवाइटेड राइट देयर नेम्स बिलो द पिक्चर। आपको ऐसी दो पिक्चर्स ड्रॉ करनी है यहाँ कॉलम्स में जो ब्लैंक कॉलम आपको दिए हैं और उनके नेम भी लिखना है जो आपके घर में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू कीप योर हाउस क्लीन एंड हाउ, क्या आप अपने हाउस को क्लीन रखते हैं और रखते हैं तो कैसे। तो यस आई डू कीप माई हाउस क्लीन, वी क्लीन इट यूजिंग ब्रूमस्टिक एंड मोपर। मैं अपने हाउस को क्लीन रखता हूँ वाइपर और पोछे के साथ, मतलब वो झाड़ू को ब्रूमस्टिक बोलते हैं और मोपर पोछा होता है, तो मैं अपने घर को झाड़ू पोछे से साफ करके क्लीन रखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन, आंसर इज मेड माई मदर एंड फादर, मीन्स आपके हाउस को क्लीन करने में आपकी हेल्प कौन करता है, तो आपकी मेड, मेन मींस जो आपके घर काम करने आती है ना वो, एंड मम्मी पापा। नेक्स्ट इज वेयर डू यू गो टू फ्रेशन अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह सुबह फ्रेशन अप होने के लिए कहाँ जाते हैं। सो आंसर इज आई गो टू द टॉयलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस, आप अपने घर का कचरा कहाँ फेंकते हैं। गार्बेज मीन्स कचरा, वी थ्रो इट इन द गार्बेज बिन, हम इसको गार्बेज बिन में थ्रो करते हैं। गार्बेज बिन मीन कचरा, डस्टबिन बोलते हैं ना अपन जिसको, उसको बोलते हैं गार्बेज बिन। इज देयर एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन, आंसर इज यस इट इज। डू यू सी अ टॉयलेट इन और अराउंड योर हाउस, क्या आपने टॉयलेट देखा है अपने घर में और घर के आसपास, आंसर इज यस इन द हाउस, मतलब घर में। हु क्लीन्स इट, उसको साफ कौन करता है, मेड क्लीन्स इट, मींस जो मेड है वो इसको साफ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू हेल्प इन द क्लीपिंग इट क्लीन, आप उसको उनको कैसे हेल्प करते हो क्लीन करने में। बाय मेकिंग श्योर दैट इट इज क्लीन आफ्टर आई यूज इट, मतलब वो ये बोल रहा है या आप ये बोलोगे आंसर में कि हम उसको ऐसे हेल्प करते हैं क्लीन रखने में कि मतलब जब हम उसको यूज करेंगे तो एज इट इज रहे जब हम गए थे अंदर। अब यहाँ पे अपन को यूज ऑफ टॉयलेट दिया है। Simmi noticed that her friend Billu was getting uncomfortable. He was not talking to her. Simmi है वो नोटिस करती है कि उसका फ्रेंड जो बिल्लू है वो अनकंफर्टेबल हो रहा है। He was not talking to her. वो उससे बात नहीं कर रहा है। तो Simmi पूछती है बिल्लू से, बिल्लू what happened? You look so dull. तुम बहुत डल दिख रहे हो, क्या हुआ। बिल्लू बोलता है आई डोंट नो हाउ टू यूज द टॉयलेट प्रॉपरली, हीरा मैम वुड बी ऑन हर राउंड एंड अगेन शी वुड स्कोल्ड मी एज यूजुअल फॉर नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली। बिल्लू बोलता है कि मुझे टॉयलेट यूज करना नहीं आता है, पर जो हीरा मैम है वो अपने राउंड पर है और वो मुझे डांटेंगी अगर मैंने हमेशा की तरह टॉयलेट प्रॉपरली यूज नहीं किया। Simmi बोलती है व्हाई डोंट यू यूज द टॉयलेट प्रॉपरली देन, फिर तुम टॉयलेट प्रॉपरली यूज क्यों नहीं करते हो। बिल्लू बोलता है आई एम स्केर्ड दैट आई वुड फॉल इन द टॉयलेट पिट, मतलब बिल्लू बोलता है कि मुझे डर लगता है कि मैं कहीं टॉयलेट पिट में ना गिर जाऊं। टॉयलेट पिट मीन्स जो पॉट होता है उसमें। Simmi हाउ स्टूपिड एंड हाउ एंड नाउ आई नो इट इज यू एंड मैनी ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक यू हु मेक आर टॉयलेट सो डर्टी बाय नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली, डोंट बी स्केर्ड। Simmi बोलती है हाउ स्टूपिड मीन्स तुम क्या बातें कर रहे हो, अब मैं जान चुकी हूँ कि तुम और तुम्हारे जैसे ऐसे फ्रेंड्स जो टॉयलेट प्रॉपरली यूज नहीं करते हैं वही हमारे टॉयलेट को गंदा करते हैं। और इसमें डोंट बी स्केर्ड, स्केर्ड मीन्स डरना, अब डरो मत, बी रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल बनो, लेट अस नाउ सी हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल।
Use the toilet by sitting properly. Always flush it with the water after use. Wash yourself properly. Wash your hands thoroughly. अब वो बोलती है कि टॉयलेट को यूज प्रॉपर सिटिंग से करते हैं और जब अपन निकलते हैं टॉयलेट से तो फ्लश करते हैं और अपने हैंड्स को प्रॉपरली यूज करते हैं वॉश करके और अपने आप को भी प्रॉपरली वॉश करते हैं। अब तो ये वाली जो एक्टिविटी है ये आपको खुद रीड करनी है एंड आपको खुद सॉल्व करनी है। नेक्स्ट इज लुक हाउ ब्यूटिफुली लताज हाउस इज डेकोरेटेड। ये जो अपन को पिक्चर में हाउस दिया है ये लता का घर है और ये देखिए कितना क्लीन है और कितना डेकोरेटेड है। इज देर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस व्हेन एंड हाउ। क्या आप कोई स्पेशल ओकेजन में आप अपने घर को डेकोरेट करते हैं? करते हैं तो कैसे करते हैं? यस, ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली वी डेकोरेट अवर हाउस विद ब्यूटीफुल रंगोलीज दियाज एंड कलरफुल लाइट्स। हम अपने घर को दिवाली में साफ भी करते हैं और डेकोरेट भी करते हैं। तो हम अपने घर में क्या क्या करते हैं? रंगोली बनाते हैं, दिया लगाते हैं और कलरफुल लाइट्स भी लगाते हैं। Ask your friends when and how they decorate their houses. अपने friends को पूछिए कि वो अपने house को कैसे decorate करते हैं। Next activity is name the things with which you decorate your house. आपको यहाँ पे वो चीजें लिखनी है जिससे आप अपने घर को decorate करते हैं। Answer is we decorate our houses with flowers, dia lights, सीनरीज, वॉल हैंगिंग्स एक्सेट्रा। हम अपने घर को कैसे डेकोरेट करते हैं? फ्लावर्स लगाते हैं, दिया लगाते हैं, लाइट्स लगाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, सीनरीज लगाते हैं और वॉल हैंगिंग्स लगाते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें और लगाते हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अपना चैप्टर फिनिश। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।